तो श्री श्री विराट कोहली ये कहते हैं कि अपनों के साथ कुछ नहीं किया तो भी बहुत कुछ किया। तो इस साल कुछ हमारा दुर्गा पूजा ऐसे ही बिता। इस साल वी ट्राई टू फाइंड आउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर, दूसरा घर, हम लोग भवानीपुर वाले घर को जानते हैं, ये वाला घर हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोगों ने वो ढूंढने की कोशिश की, क्या हुआ वो वीडियो में बताऊंगा आपको, कुछ फ़ायदा हुआ घूम के वो बताऊंगा आपको। फिर हम लोगों ने और रात को वी वेंट टू विक्टोरिया मेमोरियल, वहाँ भी खास कुछ नहीं किया। हाँ, उल्टा सीधा खाना ज़रूर खाया था वहाँ पे, एंड बस ऐसे ही घूमे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट पूजा दैट आई हैव एवर हैड। जहाँ पे पागलों की तरह भाग नहीं रहा था मैं यहाँ पे था फैमिली के साथ, विच इज़ अगेन अ लग्जरी, दोज हू नो मी पर्सनली। एंड या सो एन्जॉय द ब्लॉग, एंड एज आई से सावधान रहे, सतर्क रहे, एंड प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एन्जॉय द ब्लॉग। ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस। वर्षों के बाद यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल के पीछे हूँ, अच्छा लगा। अष्टमी के दिन हम लोग पहुँचे नेताजी सुभाष चंद्र के घर, ये पता करने के लिए कि उनका दुर्गा पूजा यही है या नहीं है। देखिए आगे, तो लाल बाड़ीटा कौन दिखे, लाल बाड़ी আছে এই যে নেতাজিদের রিলেটেড যে লাল বাড়ি বলে এটাকে এখানে কোন লাল বাড়ি বলে কোন আছে এটা তো লাইব্রেরি লাইব্রেরি না লাল বাড়ি বলছিল তো লাইব্রেরি লাইব্রেরি এই ওই যে উঁচু বিল্ডিং টা এটা লাইব্রেরি এইটা লাল বাড়ি না লাইব্রেরি বলতে হয় তো আপনারা হ্যালো ও আচ্ছা সেই এখানে কোন পূজা হয় এছাড়া নীল আম থেকে আমরা তো শুটিং করছি এটা লাইব্রেরি ওয়াও লাইব্রেরি লাল বাড়ি না তাহলে তুমি পড়িয়েছো নিশ্চয়ই খারাপ ছবি তুলতে পারো বড়ে বেটে জো ক্যামেরা মিল যায় তো পাগল যাতে ভাগনে লাগতে উছলনে লাগতে ফুড়নে লাগতে তো এই চালু হয় कहाँ कहाँ भागेगा कोई आइडिया नहीं। इधर रास्ता है, कभी इधर कभी उधर। अरे भाई भाई साहब ठहर जाओ, ये बेसिकली एक पुराना पोस्ट ऑफिस है जो अभी चेंज हो गया है और उस दिन बंद था। खैर बाय द वे दैट्स माय डैड। दैट्स अ रेड हाउस, वाओ।